हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप क्वेश्चन नंबर 5 तक के न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। आप जो है क्वेश्चन को स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बुक निकालकर भी उसको पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 5.6 में, इसमें लिखा हुआ है द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन। मतलब सिंपल है कि आपको जो है वो रिएक्शन बताना चाह रहा है। एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा और क्या देता है, डाइहाइड्रोजन देता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर रिलीज होगी अगर इतना ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्ट करता है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको उसे यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको यहाँ पर दे रखा है एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH हो गया, ठीक है, प्लस क्या होगा वॉटर। ये आपकी पूरी रिएक्शन हो जाएगी, आपको मिलेगा भाई सोडियम एल्यूमिनेट प्लस का डाइहाइड्रोजन इज रिलीज्ड, ठीक है। प्रेशर आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर आपको दिया टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में, प्रेशर आपको दे रखा है यहाँ पर 1 bar और एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 0.15 grams। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि ये कितना ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम डाइहाइड्रोजन का प्रोड्यूस होगा। सो इन दोनों के बीच का पूछ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका तो हम बाद में निकालेंगे, डायरेक्टली तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो पहले हम देखते हैं एक जनरल रिएक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो जनरल रिएक्शन है वो ये वाली है हमारी। तो पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि कितना ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो कितना ग्राम हमारा डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। उससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर इतना ग्राम एल्यूमिनियम का है तो कितना ग्राम वो डाइहाइड्रोजन का प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है? आप यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो मतलब कि इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। तो सबसे पहले बस एक ही चीज अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे है आपके 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, सही है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इनको पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों जगह हो जाएंगे ना बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा 3H2 और यहाँ पे किससे करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2H2 हो जाएगा, तो आपका इतना हो गया। अब आप देखो क्या सारे बैलेंस्ड हैं, जो भी एटम्स हैं यहाँ पर आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और 1 5, अब कितने हैं 5 हैं इधर और इधर कितने हैं, इधर 6 हो गए हैं। सो अभी भी बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक ही हाइड्रोजन और चाहिए ना, तो आप यहाँ पे क्या करो एक हाइड्रोजन और करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका इस तरीके से हो गई, सही है। तो यहाँ पे अब आपके पास में कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 ये 2 ये, तो 6 यहाँ पे हो गए और 6 ही यहाँ पर हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन जब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो आपके ऑक्सीजन एटम्स भी चेंज हो गए हैं और सोडियम एटम्स भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पर देखो आपके ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए हैं, 2 इधर और 2 इधर, यानी कि 4, इधर कितने हैं 2 हैं, इधर सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बैलेंस। एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो गए लेकिन यहाँ पे अभी 1 ही है, तो यहाँ पे भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से ना आपको इक्वेशंस जो है बैलेंस करनी आनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है कैसे बैलेंस करते हैं, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, पहली चीज आपको ये करनी थी, ठीक है। सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन में देखेंगे कितना ग्राम एल्यूमिनियम से कितना आपका H2 यानी डाइहाइड्रोजन जो गैस है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो ये आपकी जनरल रिएक्शन है इसमें यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है भाई, 27 ग्राम होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन यहाँ पे 2 मोल एल्यूमिनियम है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम इतना रिएक्ट कर रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना हो जाएगा आपका 52 ग्राम्स। यहाँ पे देखो
अब कोई भी हमारी जो एनी गैस, कोई भी गैस है, अगर वो आपकी होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, तो वो कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो यहाँ पर भी क्योंकि आपकी एक जनरल रिएक्शन है, तो ये हाइड्रोजन जो है, H2 जो है, ये आपका कितना ऑक्यूपाई कर रही होगी भाई? 22.4 लीटर, है ना? तो ये आपका हो जाएगा 22.4 लीटर। अब क्योंकि 3 मोल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 3 से, तो आपका हो गया 3 × 22.4 लीटर्स इस तरीके से। तो यानी कि मैं इस जनरल रिएक्शन के अंदर बोल सकती हूँ कि इतना ग्राम एल्यूमिनियम हमें इतना H2 प्रोड्यूस कर रहा है। सो 52 ग्राम एल्यूमिनियम से आपका प्रोड्यूस हो रहा है 3 × 22.4 लीटर डाइहाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बाद में अब आप यहां से ये निकाल सकते हो कि अगर एल्यूमिनियम का 0.1 ग्राम रिएक्ट करता है, 52 ग्राम नहीं, 0.1 ग्राम रिएक्ट करता है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही, तो अगर इसी के नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम का अगर 0.1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कितना लीटर डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो नहीं पता उसको एक्स मान लो यहाँ पे, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। सिंपल करो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जो आपका एक्स है इसे आप ले जाओ ऊपर, ठीक है, और इधर तो ये पहले से ही था 3 × 22.4 लीटर, ये जो नीचे था ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 0.15 डिवाइड बाई, ये जो ऊपर था ये कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, यूनिट्स वगैरह आप देख सकते हो, हमें पता है यहाँ पर ये इसमें ही आएगा, लीटर में ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिख रखा है कितना आना चाहिए, 0.189 लीटर, इतना ही लिखा है मैंने। तो आपका जो है इतना लीटर डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा अगर आपका 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। तो ये तो मैंने तब निकाला है जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो मैंने माना है कितना, यहां पर मैंने किस पे निकाला भाई, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे, तभी तो मैंने कंडीशन रखी है ना कि 22.4 लीटर होगी डाइहाइड्रोजन, जब मेरा टेम्परेचर इतना था और प्रेशर इतना था, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है, तो तब आपका डाइहाइड्रोजन इतना प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो है कि टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं 20 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो है वो सेम ही है 1 बार है, तो यानी कि आपको जो है अब इनको कंपैरिजन कर देना है। कैसे करना है यहाँ पर आप देख लो, अभी जो हमने प्रोड्यूस की है ये डाइहाइड्रोजन कितनी आई है, 0.189 लीटर। तो पहले जो आपका ये प्रेशर है इसको मैं मान रही हूँ P1 इज 1 बार, आपका जो टेम्परेचर, पहले मैं यहाँ पे वो वाला डाटा लिख रही हूँ जो अभी मैंने फाइंड आउट किया है जिसके बेसिस पे, तो आपका जो प्रेशर है वो मैंने 1 बार माना था, टेम्परेचर मैंने कितना माना 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम आया ये क्या है, इसका वॉल्यूम ही तो है लीटर में, सो 0.189 लीटर। ठीक है, तो ये तो मेरा तब था जब मैंने इसको निकाला था, अभी ये कितने पे मांग रहा है, जब प्रेशर यानी कि P2 हो जाएगा 1 बार, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि T2 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम यानी कि V2, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है, यही तो निकालना है आपको कि इतने पे कितना आपका डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ये तो मैंने किस पे निकाल दिया है, इतने पे, इसी वाला तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर को चेंज करना होता है, तो यहीं पे लिख देते हैं भाई, ये आपका 273.15 केल्विन लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 273.15 केल्विन। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है तो यानी कि आप इसको लिख दो 293 केल्विन या 293.15 केल्विन, 293 केल्विन आप लिख सकते हो अपनी कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए, ठीक है, वरना आपको उसमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप सिंपली लिख सकते हो 293 केल्विन, तब भी आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इतना ही लिखते हैं, 273 केल्विन और 293 केल्विन। सो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, हमें नहीं पता कि कितना डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, पहले हमें जो उसने रिएक्शन दिया ना सबसे पहले सेंटेंस के अंदर, पहले हम उस रिएक्शन को लिख लेते हैं, अब इस रिएक्शन के बेसिस पे आप जो है एक जनरल रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो कि इतना एल्यूमिनियम रिएक्ट करके आपका इतना डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है,
तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कितना एल्यूमिनियम कितना डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो जो था वो आपका डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर था, ठीक है, और जो आपसे पूछा है उसका आप अब इससे कंपैरिजन करके निकाल सकते हो। यहां पर आपको लगा देना है कंबाइंड गैस लॉ P1V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर है टेम्परेचर है वॉल्यूम है, प्रेशर है टेम्परेचर है वॉल्यूम है, इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2। यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये V2 को ही फाइंड आउट करना है, बाकी सारा डेटा आपके पास में है, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी है। सो यहां से सिर्फ ये V2 फाइंड आउट करना है, तो आपका V2 बराबर हो जाएगा, यहां से आप लिख दो P1V1 अपॉन में T1, ये तो उधर पहले से ही था, ये T2 ऊपर चले जाएगा और P2 ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहां से जो है आपको उसका डेटा उठा के रखना है, V2 बराबर हो जाएगा आपका P1V1, सो P1 इज 1 bar, V1 कितना है 0.189 लीटर डिवाइड बाई T1 है आपका 273 केल्विन इनटू T2 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है 293 केल्विन, और पी नीचे है आपका P2 यानी कि 1 bar, तो ये पूरा कट गया, ठीक है, केल्विन से केल्विन कट गया, अब जो आपका आएगा वो लीटर में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं यहां पर आपको बता देती हूँ आपका आंसर कितना आना चाहिए। आंसर जो है ये 0.2028 लीटर है, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आपका लीटर में हो गया है। अगर इसी तरीके से आपको इसको ml में लिखना है, लीटर में भी आपका इतना ही रहेगा, अगर आप इसकी यूनिट्स को चेंज कर दोगे ml में करना चाहोगे तो 202.8 आपका इस तरीके से ये ml में हो जाएगा। तीन ये जो है डॉट, ये जो आपका डेसिमल है ना, ये 3 डिजिट उधर खिसक जाएगा, तो आपका ये ml में हो गया है। सो आंसर आपका इतना ही आएगा, ml में देखोगे तो इतना आएगा और लीटर में देखोगे तो इतना आएगा। सो ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। सो नेक्स्ट है 5.7, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ, इतना ग्राम मीथेन है इतना ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड है कंटेन्ड इन अ 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट इतना टेम्परेचर। सो प्रेशर एक्सर्टेड पूछा है और आपको जो है मिक्सचर दे रखा है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। सो जो प्रेशर लग रहा होगा वो दोनों गैस के थ्रू ही लग रहा होगा, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, तो आपको मतलब कि दोनों का टोटल प्रेशर बताना है कितना है। तो पहले हम मीथेन का निकालेंगे, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल प्रेशर एक्सर्टेड आ जाएगा कितना लग रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है 3.2 ग्राम आपका मीथेन यानी कि CH4, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्लास्क का वॉल्यूम है 9 डेसीमीटर क्यूब और टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यही डेटा आपके पास में, टोटल प्रेशर आपको बताना है कितना एग्जर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू NRT है, ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन होती है। यहाँ पे अगर आप इसका प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो हो जाता है भाई NRT अपॉन में V। तो हम इसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, एक बार हम यूज कर देंगे भाई CH4 के लिए, एक बार हम इसी इक्वेशन का यूज कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। देखो यहाँ पे आपको R पता है, गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो आपको पता ही रहेगी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, टेम्परेचर आपको दे रखा है दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखी है वो भी दे रखी है, तो प्रेशर निकालने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ किस चीज की जरूरत है, ये मोल्स फाइंड आउट करने की। अब एन जो है ये आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास करके। अब मोल्स निकालने के लिए आपको इनका मास भी दे रखा है और CH4 जो फॉर्मूला है उससे आप इसका मोलर मास भी लिख सकते हो, तो मोल्स भी आ गए, तो यानी कि आपको ये एन की वैल्यू भी इनकी पता चल जाएगी, और यहां से आपके पास में CH4 का भी प्रेशर आएगा, इसी तरीके से आपके पास में CO2 का भी प्रेशर आ जाएगा, और वहां से आप जो है ऐड करके निकाल सकते हो बस टोटल प्रेशर, यही करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं
CH4 के लिए। सो PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन से हम प्रेशर ऑफ CH4 निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका NRTyV। टेम्परेचर को चेंज कर लो तो हो जाएगा 300 केल्विन। वॉल्यूम आपको 9 डेसीमीटर क्यूब में दे रखी है। और यहां पे पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ CH4। तो आपको दिया है 3.2 ग्राम मास है डिवाइड बाई मोलर मास आपका, ये हो जाएगा CH4 का 16 ग्राम पर मोल। कटेगा तो आपके मोल्स कितने आ जाएंगे भाई, 0.2 मोल आ जाएगा आपका। इसी तरीके से मैं लिख देती हूँ, मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा, मास दे रखा है 4.4 ग्राम और मोलर मास हो 44 ग्राम पर मोल होगा, तो 44। ठीक है, तो कटेगा तो भाई 0.1 बचेगा बस। तो मैंने दोनों के मोल्स निकाल दिए, सो फर्स्ट वाले का है 0.2 और उसके बाद में है 0.1। तो यहाँ पे आपको मोल्स पता है, आर पता है, टी पता है, वी भी पता है। सो प्रेशर निकाल देते हैं हम CH4 का। CH4 के मोल्स 0.2 इंटू आर की वैल्यू। अब यहां पर आपको जो है इसमें ध्यान देना पड़ेगा, आपको आर की वैल्यू वो वैल्यू रखनी है जो इसमें पूरी आपकी सेट बैठेगी। जैसे कि यहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो तो केल्विन में ही रहेगा, मोल्स आपके इसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, और उससे पहले वाली जो आपकी यूनिट्स होती हैं आर की, उसमें आपको ध्यान देना है वॉल्यूम एंड प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो डेसीमीटर क्यूब में है और प्रेशर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका तो कुछ पता नहीं, वो आपका आएगा जब आप वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर दोगे तब। तो यानी कि आप ये देखो, आपकी जो वी की जो यूनिट है ना वो डेसीमीटर क्यूब में है। तो यहां पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखो आर की वैल्यू आप रखोगे 1.314। अगर आपकी जो यूनिट्स हैं वो यहां पर हो जाएंगी पास्कल मीटर क्यूब में और पर मोल पर कैलिन इस तरीके से होंगे, तो यानी कि यहाँ पे पास्कल और मीटर क्यूब है। ठीक है, तब आपको ये वैल्यू रखनी है, आपकी आर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 0.0831। अगर जो आपकी फिर यूनिट्स होंगी यहाँ पर वो हो जाएंगी आपकी लीटर बार पर मोल और पर कैलिन इस तरीके से। तो यानी जब लीटर बार होगा, या फिर हमें पता है कि 1 लीटर जो है वो बराबर होता है भाई 1 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो यानी इस लीटर की जगह पर आप जो है डेसीमीटर क्यूब हो तब भी यही वैल्यू रखोगे, 0.0831 ही रखनी पड़ेगी। यहां पर आपका हो जाएगा बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब देखो यहां पे आपकी यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब है वॉल्यूम की, तो डेसीमीटर क्यूब के लिए आपको तो आर की वैल्यू ये वाली लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और तब आपका प्रेशर आएगा किसमें, बार में। यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप डेसीमीटर क्यूब वाली ये वाली वैल्यू लेके रखोगे तो आपका प्रेशर फिर बार में ही निकल के आएगा ना, बाकी सब तो कट जाएगा, तो यहां से आपका प्रेशर जो है वो बार में आएगा। ठीक है, अगर आपको जो है प्रेशर ये पास्कल में फाइंड आउट करना है इस तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेसीमीटर क्यूब को पहले आपको मीटर क्यूब में करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर जो यूनिट्स है ये मीटर क्यूब के साथ में है, तब आपका जो प्रेशर है वो पास्कल में है। तो यहां पर जो आपका सोल्यूशन आएगा उसमें जो आपका प्रेशर है दैट विल बी इन पास्कल, आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम डेसीमीटर से मीटर में करेंगे, मतलब डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में करेंगे। सो हमें वैल्यू लिखनी है 1.314 और प्रेशर आएगा मेरा पास्कल में, अभी देख लेंगे। और यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू है वो डेसीमीटर क्यूब में नहीं मीटर क्यूब में लिखनी पड़ेगी। तो यहां से आप सीधा सीधा ये देख सकते हो कि आपके पास में डेसीमीटर क्यूब है, तो या तो डेसीमीटर क्यूब वाली ये रखो, ठीक, प्रेशर फिर इसमें आएगा बार या लीटर में। अगर आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है 8.314 आपको याद है, तो आप 8.314 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए कि ये पास्कल मीटर क्यूब में था, तो मेरे को इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे पहले मैं आर की वैल्यू लिख दूँ, आर की वैल्यू अब हम क्या लिखेंगे, वही 8.314, क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसको लिख देते हैं 0.2 मोल है, 8.314 आपका हो जाएगा ये पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पे ये हो गई इनटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन है, डिवाइड बाई
आपका हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 9 डेसीमीटर क्यूब के लिए। लेकिन मैं डेसीमीटर क्यूब में नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू देखो यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो आप यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब कैसे लिख सकते हो? आपको तो मीटर क्यूब में लिखनी पड़ेगी। तो आपका हो जाएगा ये, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, या फिर आप कह सकते हो 10^-3 मीटर क्यूब होता है। तो आप इसको मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा डेसी मीटर क्यूब में हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, ये मोल से मोल कट गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, और केल्विन केल्विन कट गया। प्रेशर आएगा आपका ये मीथेन का, ये जो पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ कितना आना चाहिए। 5.54 × 10^4, क्योंकि यहाँ पे अब पास्कल आ रहा है आर की वैल्यू में, तो यहाँ पे आपका पास्कल में आ गया है। आप मैच करके देख सकते हो आपका इतना आना चाहिए। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली चीज यही थी, आर की वैल्यू और वी को आपको चेंज कर लेना था इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है CO2 के लिए फाइंड आउट कर देना है, बस ये सारी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो आपका जो प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा वो इसी तरीके से हो जाएगा, CO2 के मोल्स 0.1 मोल इंटू आर की वैल्यू, आप वही रखो 8.314, यहाँ पर आपका आएगा पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन डिवाइड बाई वॉल्यूम आपको दे रखा है 9, लेकिन आपको तो मीटर क्यूब में लिखना है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, मोल से मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, पास्कल में प्रेशर आएगा। तो प्रेशर आपका हो जाएगा भाई CO2 का कितना आना चाहिए, 2.77 × 10^4 आपका पास्कल में आएगा। दोनों का प्रेशर आपको पता चल गया। अब इसने पूछा था कि प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, तो प्रेशर तो आपकी दोनों गैस मिलके एग्जर्ट करेंगी, सो आपको करना है प्रेशर एग्जर्टेड, या फिर आप लिख दो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड। ठीक है, रफ में लिखा है मैंने इस तरीके से, प्रेशर एग्जर्टेड कैसे निकालोगे, 5.54 × 10^4 आया था, प्लस कर दो उसको, और 2.77 × 10^4 कितना है, 4 आया है, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा 8.31 है × 10^4 ये आ जाएगा पास्कल में, क्योंकि दोनों आपके लिए पास्कल पास्कल में ही थे। बस इस तरीके से आपको कर लेना है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, बाकी आपको करना आना चाहिए इस तरीके से करना है। ये आपका हो गया मीथेन वाला, ये आपका हो गया प्रेशर CO2 के लिए। सो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट इतना प्रेशर, इतना लीटर डाइहाइड्रोजन इतना प्रेशर आर इंट्रोड्यूस इन अ 1 लीटर वेसल इतना टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, सो आपसे ये फिर से पूछा है, पूरा जो गैसियस मिक्सचर है उसका कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो यहाँ पे आपको जो है 0.5 लीटर दे रखा है, पहले हम वो लिख लेते हैं 0.5 लीटर, और प्रेशर ऑफ H2 दे रखा है 0.8 bar, और आपको दे रखा है 2 लीटर (0.7 bar) इसका प्रेशर, 1 लीटर वेसल के अंदर डाल दिए हैं और 27 डिग्री सेल्सियस है। सो यानी कि उस वेसल का जो वॉल्यूम है ना वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 लीटर है, ये अलग वॉल्यूम है इनका, ये वेसल का वॉल्यूम है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे एक H2 है एक O2 है, इनका प्रेशर निकालना है, तो आप प्रेशर कैसे निकाल सकते हो, एक तो आपके पास में प्रेशर है, दूसरी चीज वॉल्यूम है, और कुछ तो नहीं आपके पास में, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं अप्लाइंग बॉयस लॉ। तो आपका हो जाएगा P1V1 = P2V2। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, इस इक्वेशन को लगाओ एक बार H2 के लिए, इस इक्वेशन को लगाओ एक बार O2 के लिए, कैसे करना है अब यहाँ पर देखो। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हटाई देती हूँ, यहाँ पे अपना पहले लिखो H2 के लिए, H2 के लिए मानो जो आपको वॉल्यूम दिया है उसको V1 मान लो, H2 के लिए जो प्रेशर दिया है उसको हम P1 मान लेते हैं, है ना,
तो मतलब ये चीज मैं किसके लिए लिख रही हूँ, फॉर डाइहाइड्रोजन H2। H2 का आपको वॉल्यूम दे रखा है 0.5 लीटर, प्रेशर आपको दे रखा है 0.8 बार दिया है ना इतना। और इसी गैस को मैंने अब एक नए उसके अंदर डाल दिया है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो अब यही चीज आपकी इसके अंदर जा रही है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, और प्रेशर उसका कितना लगेगा पता नहीं, तो पीटो हमें नहीं पता है। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक चीज नहीं पता, उसको निकाल सकते हैं, इसी लॉ को अप्लाई करना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां से P2 निकालना है तो पहले P2 को निकाल दो इक्वेशन से, तो ये जाएगा P1 V1 डिवाइड बाई V2। P1 कितना है 0.8 बार, V1 कितना है 0.5 लीटर डिवाइड बाई, V2 कितना है 1 लीटर। तो लीटर से लीटर कट गया, नीचे 1 है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 8 5 40 होता है। तो यानी कि आपका P2 कितना आ गया 0.40 बार, ठीक है ना। तो यहां से बेसिकली मैंने निकाला क्या है, यहां पे तो मैंने हाइड्रोजन लिया है और इसी को मैंने एक नए स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जिसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर कुछ होगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाला है फॉर H2 डाइहाइड्रोजन। बेसिकली ये जो है ये उस सिर्फ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो गया है, जो हाइड्रोजन अप्लाई करने वाली है सिर्फ उतना है ना। तो P2 आ गया 0.40 बार। बिल्कुल इसी तरीके से निकाल दो ऑक्सीजन के लिए भी, डाई ऑक्सीजन। पहले मैं लिख दूं, H2 का आया था 0.40 बार, ठीक है। अब क्या करो, इसी को लिख दो आप डाई ऑक्सीजन के लिए। डाई ऑक्सीजन के लिए आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना 2 लीटर, और प्रेशर जो इसका लग रहा है वो है 0.7 बार। इसको भी बिल्कुल सेम इसी वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है, प्रेशर इसका नहीं पता है। फिर से वही कर दो, P2 आपका बराबर हो जाएगा P1 V1 डिवाइड बाई V2। सो P2 हो जाएगा आपका, P1 कितना दिया है 0.7 बार, वॉल्यूम 2 लीटर है और इसका वॉल्यूम तो 1 ही लीटर है, लीटर से लीटर कट गया, नीचे डिवाइड में 1 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 7 2 हो जाएगा आपका 14, तो यानी कि 1.4 बार, 1.40 बार, 2 डेसिमल प्लेस का लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रेशर ये आएगा सिर्फ O2 का 1.40 बार, ठीक है। मैंने कैसे निकाला है आप देख सकते हो, पहले मैंने H2 का निकाल दिया, फिर मैंने O2 का निकाल दिया। अब यहां पे क्या करना है, इसका एडिशन करना है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैशियस मिक्सचर, तो गैशियस मिक्सचर कंटेन्स बोथ डाइहाइड्रोजन एज वेल एज डाइऑक्सीजन, तो यानी कि इसमें H2 भी होगी और O2 भी होगी, तो यानी कि जो प्रेशर H2 का लग रहा होगा प्लस जो प्रेशर O2 का लग रहा होगा वो आपके टोटल मिक्सचर का प्रेशर हो जाएगा। तो आपको टोटल प्रेशर बताना है, टोटल मिक्सचर का कितना है, H2 का कितना है 0.40 प्लस 1.40 बार में ही है, दोनों दोनों बार बार में है, तो आपका हो जाएगा 1.80 बार। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बस इतना सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 8 का, आपका आंसर हो जाएगा 1.80 बार। अब है क्वेश्चन नंबर 9, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी इतना एट इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, और डेंसिटी पूछी है STP पे। तो पहले जिस पे दी है उसको लिख देते हैं, डेंसिटी किसी भी गैस की होगी 5.46, ये है आपकी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपको दे रखा है कितना 2 बार, और डेंसिटी बस पूछी है STP पे, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो डेंसिटी वाली, हमें एक ही क्वेश्चन पता है। देखो यहाँ पे जो है आप इसको अगर डायरेक्ट, आपको इक्वेशन नहीं भी पता है ना तो आप डिराइव करके भी निकाल सकते हो एग्जाम टाइम पे भी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू NRT है फॉर आइडल गैस, यहां से P बराबर हो जाएगा NRT अपॉन V के, ठीक है। हमें पता है यहां पर ये जो N है ये होते हैं आपके मोल्स, मोल्स बराबर होते हैं मास बाई मोलर मास के, ये पूरा पहले भी किया था, पहले क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने किया था ये, ठीक है। प्रेशर आपका हो जाएगा M बाई कैपिटल M, विच इज योर मोलर मास,
यहाँ पे आपका आर टी बाई वी एज इट इज रहेगा। अब हमें पता है मास बाई वॉल्यूम जो है ये आपका डेंसिटी होती है, तो मैं लिख सकती हूँ पी बराबर, ये आपकी डी में डेंसिटी ऐसे लिख रही हूँ, आर टी बाई एम, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, है ना। तो आपके पास में यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, एक तरीके से रिलेशन आ जाता है, डी बराबर होता है पी एम बाई आर टी के। तो मैं इसको लिख दूं डी इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई आर टी। अब इस इक्वेशन से आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, आपको प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आर तो आपको पता ही होता है, यहाँ पे आप मोलर मास को छोड़ दो, गैस तो पता ही नहीं उसने कोई से भी, है ना। उसने कहा है डेंसिटी बतानी है हमें एस टी पी पे, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर पे तो दी है, एस टी पी पे कितनी होगी, एस टी पी पे तो मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पूछा है और प्रेशर आपका 1 bar है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन या 273.15 केल्विन, कैसे भी लिखो, 273 केल्विन मान लेते हैं अभी। अभी जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर इतना प्रेशर इतना पूछा इतने और इतने पे है ना। तो बहुत सिंपल रिलेशन हो गया है, कैसे निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो यहाँ वाली डेंसिटी पता है, ये दोनों पता है, इधर वाले में दोनों ये पता है, बस डेंसिटी नहीं पता। सो वो जो एक चीज आपको नहीं पता उसे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो मैं पहले डेंसिटी इस वाले के लिए लिख देती हूँ, फिर मैं डेंसिटी वाला रिलेशन इस वाले डेटा के लिए लिख देती हूँ, है ना। तो पहले आपका डेंसिटी यानी कि डी आपका बराबर हो जाएगा पी एम बाई आर टी, अगर आप वैल्यू रख दोगे तो 5.46 बराबर, प्रेशर कितना है 2 bar इनटू मोलर मास, हमें कुछ नहीं पता है, कैपिटल एम ही रहेगा, आर कितना है कांस्टेंट है, तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। हमें तो डेंसिटी से मतलब है जो हमें फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन, चेंज करते रहना है आपको साथ साथ, 300 केल्विन हो गया। ये रिलेशन मैंने लिख दिया ना जो मेरे को दिया था डेटा उस पे, अब मैं लिख रही हूं एट एस टी पी, डेंसिटी नहीं पता है इसको हम डी ही लिखेंगे, डी बराबर हो जाएगी पी यानी कि 1 bar इंटू एम नहीं पता डिवाइड बाई आर, क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है इसको छोड़ो, और टी कितना है 273 केल्विन। आप इतना तो लिख सकते हो, यहां से डेंसिटी का रिलेशन एक बार इस वाली कंडीशन पे रख दिया है, एक बार डेंसिटी का ही रिलेशन एक बार इस कंडीशन पे रख दिया है। अब दोनों का ना कंपैरिजन कर दो एक तरीके से, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, आप इन्हें डिवाइड कर दो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे दिस पे डिवाइड में जाएगा ये वाली चीज, तो आप देखोगे आपका एम कैंसिल आउट है, आर भी कैंसिल आउट है, सिर्फ ये डी फाइंड आउट करना है। मैं यहां पर लिख देती हूं, यहां पर मैं लिख रही हूं आपका था 5.46 डिवाइड बाई, यहां पर लेफ्ट साइड में क्या है डी डी डेंसिटी इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास में क्या था 2 bar प्रेशर था इंटू एम डिवाइड बाई आर, कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन था डिवाइड बाई, ये आपकी थी पहली वाली कंडीशन की, है ना। अब ये वाली कंडीशन की यहां पे रखो वैल्यू, यू जाएगा आपका 1 bar इंटू एम कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, ये आपका 273 केल्विन। क्या किया है मैंने, डिवाइड किया है सिंपल, इधर वाला डिवाइड बाई इधर वाला, अब इसको काट दो, काट दो बस, यहाँ पे एम एम आर आर, और ये आपका हो जाएगा 5.46 डिवाइड बाई डी, ये आपका हो जाएगा 2 bar मल्टीप्लाइड बाई 273 केल्विन, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन, ये भी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 1 bar आएगा ना इतना, ठीक है। अब बार से बार काट दो, ये केल्विन से आपका केल्विन कट जाएगा, यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी की यूनिट है वो तो रहेगी, कटेगी नहीं, यहां से देखो मेरे को इस डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो इस डी को ले जाओ इधर और ये जो सारी चीज है ना इसको इधर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा डी बराबर 5.46, पहले मैं इसको लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपका 5.46 इंटू
300 केल्विन, और केल्विन तो कट गया है, 300 रहने देते हैं बस। अब इसकी यूनिट लेके चलते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, ये वाली चीज है कि डिवाइड में, यानी कि 2 × 273 है ना। बस अब क्या रह गया आपका, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है। कैलकुलेशन करोगे 5.46 300 डिवाइड बाई 2 × 273, ये जो भी है 273.15 रखो या फिर 273 रखो, आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैं बता रही हूँ आपका आंसर आना चाहिए 3.0, और यूनिट यही रहेगी जो आपको दी थी क्वेश्चन में, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप। ठीक है, पता नहीं कितना आ रहा है, मैंने इतना लिख रखा है तो इतना ही आ रहा होगा। अभी इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ रही होगी। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आप यहां से देख सकते हो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 34.05 ml फॉस्फोरस वे इतना, यानी इतना ml फॉस्फोरस का इतना वे है। टेम्परेचर आपको दे रखा है, प्रेशर आपको दे रखा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको दे रखा है, कहाँ गया, 34.05 ml है फॉस्फोरस है। इसका जो वजन है ना वो है 0.0625 ग्राम है। टेम्परेचर है 546 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में आप इसको चेंज कर लो। और टेम्परेचर हो गया, प्रेशर 0.1 बार है, मोलर मास पूछा है तो प्रेशर है 0.1 बार। सही है, ठीक है। तो आप यहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मोलर मास की बात की है ना, तो हमें उस वाली इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था उसके अंदर था ना, डी बराबर हो जाता है आपका Pm/RT के। तो अगर आप यहां से ये m को फाइंड आउट करो, m क्या है, मोलर मास है, तो m कितना हो जाएगा आपका DRT/PK। तो यानी इस वाले रिलेशन का हम यूज कर लेते हैं, इस वाले रिलेशन का अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे r आपको पता है गैस कांस्टेंट है, वैल्यूज क्या रख लेंगे, टेम्परेचर आपको दे रखा है, हाँ दे रखा है, प्रेशर आपको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बस क्या नहीं पता, डेंसिटी नहीं पता अभी। और तो डेंसिटी अगर पता चल जाती है तो मेरे को मोलर मास पता चल जाएगा जो मेरे को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो भाई, डेंसिटी बराबर होती है मास बाई वॉल्यूम के। तो मास दे रखा है, दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वो भी दे रखा है, तो डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी को यहां उठा के रखोगे तो मोलर मास निकल जाएगा। तो बस ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ एम, यानी कि मोलर मास बराबर हो जाएगा, डेंसिटी आप लिख दो मास बाय मोलर मास, तो यानी 0.0625 डिवाइड में 34.05। ये आपका ml में है, ये आपका ग्राम में है। अभी मैं बस लिख के यहाँ पे भी देख रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इनटू r की वैल्यू, भी हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू फिर से हम ये चेक करेंगे कौन सी वाली रखनी है। यहाँ पे देखो प्रेशर अब जो है बार में है, वॉल्यूम जो है वो एमएल में है, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। देखो आपकी जो आर की वैल्यू है वो आप रखोगे 8.314, जब आपका इस तरीके से होगा पास्कल वगैरह में होगा, है ना। तो यहाँ पे पास्कल में तो है नहीं, किसमें है, बार में है, तो बार के लिए आपको यूनिट रखनी पड़ेगी 0.0831 बार लीटर पर मोल पर कैल्विन। तो यूनिट क्या आई, बार के साथ में लीटर आई, तो यानी वॉल्यूम यहाँ पे एमएल में नहीं लीटर में होनी चाहिए। तो प्रेशर क्योंकि मेरे को बार में दिया है इसलिए आर की वैल्यू मैं ये रखूंगी जिसमें मेरा बार आ रहा है। अब वॉल्यूम देखो यहाँ पर लीटर में है, लेकिन यहाँ पर किसमें गिवन है, एमएल में, तो हम एमएल से लीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं 0.0831 हाँ बार लीटर पर मोल पर कैल्विन। ml से आप लीटर में चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा 10^-3 से मल्टीप्लाई हो गया लीटर में चेंज। हाँ अब इस वाली इक्वेशन में टेम्परेचर से भी मल्टीप्लाई करना था, 819 केल्विन, सही है। और नीचे आपका प्रेशर भी आएगा, प्रेशर कितना है 0.1 बार। तो वॉल्यूम कहाँ गया, ये रहा, × 10^-3, अब ये हो गया लीटर में। अब देखो अब सारी यूनिट्स मैच हो रही है ना,
तो ये आपका हो गया है लीटर, लीटर बार से बार, ठीक है, केल्विन से ये केल्विन, मोलर मास आपका आ जाएगा ग्राम पर मोल में, गेरा ग्राम, गेरा आपका पर मोल। बस पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है और तो कुछ इसमें है ही नहीं, तो कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको इसमें बता देती हूँ। आपका आना चाहिए 1249.8 है बस ग्राम पर मोल, ये आपका है आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आपको जो है अगर यूनिट्स पता होंगी, उसकी वैल्यू पता होगी आर की, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा ठीक से कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप कन्वर्जन नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर अगर आप यूनिट्स रखते हो तभी ये पता चलता है कि आप ये गलत जा रहे हो फिर सही जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे यूनिट्स रख के देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो तभी तो मेरे को पता चला है सारी कैंसिल आउट हो रही है, तो मेरे को इस तरीके से करना है, ठीक है। और आपके पास में जो यूनिट बचेगी उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 10। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।